राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए देश के जन जन तक पहुंचा जाए, हर व्यक्ति को राम के साथ जोड़ा जाए, और केवल राम के साथ नहीं राम जन्मभूमि के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए एक बहुत भव्य संपर्क अभियान पूज्य संतों ने निर्धारित किया है। यह अभियान 15 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक चलेगा। 10 रुपए के, 100 रुपए के, 1000 रुपए के कूपन छपवाए गए हैं। इसके अलावा जो इससे अधिक की राशि देना चाहते हैं उनके लिए रसीद बुके भी हैं जो काउंटर फॉइल के साथ होंगी। एक ऐप भी डेवलप किया गया है, जो भी पैसा उस इकट्ठा होता है वो उसी दिन बैंक में जमा हो जाए, उस ऐप के माध्यम से यह निर्णय किया गया है और हमारा पूरा विश्वास है इस निर्णय का पूरा पालन होगा। लेकिन इस अभियान की विशेषता है केवल 44 दिनों के अंदर, ध्यान रखना 44 डेज, 44 दिनों में हम लगभग 5.25 लाख गांव के 65 करोड़ राम भक्तों से संपर्क करेंगे। ये विश्व का आज तक का सबसे बड़ा संपर्क अभियान होगा और इस अभियान के बाद पूरे देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, इस देश के रंगमंच पर उनका कोई स्थान नहीं रह पाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी राम का बहुत पुराना संबंध है। हम सब लोग जानते ही होंगे ऋषि कश्यप, जिन्होंने कश्मीर को बसाया। ऋषि कश्यप के प्रपौत्र यानी पोते के बेटे का नाम इक्ष्वाकु था, उन्हीं का वंश आगे चला और भगवान राम ने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया, अर्थात कश्मीर घाटी भगवान राम के पूर्वजों की धरती है। हम जानते हैं कि जामवंत ने राम के राज्याभिषेक के बाद पीरखो नाम की गुफा में जम्मू तवी के तट के ऊपर द्वापर तक तपस्या की थी, एक लंबे समय तक तपस्या की थी। भगवान बुद्ध, वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे, इसलिए चाहे बौद्ध हो, चाहे कश्मीर घाटी के रहने वाले हो, चाहे जम्मू के रहने वाले हो, उन सबका राम के साथ सीधा नाता है और इस अभियान के साथ हम राम के पूर्वजों की धरती को राम जन्मभूमि के साथ जोड़ेंगे। यहां के लोगों ने निर्णय लिया है कि यहां पर 14 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और बसंत पंचमी यानी 15 फरवरी तक, इन 32 दिनों में 4000 गांव और 21 लाख राम भक्त, 4000 गांव में रहने वाले 21 लाख राम भक्तों को संपर्क किया जाएगा। और मैं समझता हूं इसके बाद जम्मू कश्मीर के जीवन के अंदर भी एक जनजीवन में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। फिर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग या इस तरह की चीजें करता हुआ कम से कम इस धरती के ऊपर तो कोई प्रभावी स्थान नहीं रख पाएगा। एंड द एंटायर लैंड विल बी कनेक्टेड विद राम, राम टेम्पल एंड राम जन्मभूमि। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में परिवर्तन लाना, और ये हमारा पूरा विश्वास है कि 2024 तक भव्य मंदिर पूरा बन जाएगा, उस पर भगवा पताका उसके शिखर पर लहराने लगेगी। 490 वर्ष का जो संघर्ष था वो फलीभूत होगा, और अगर मैं कहूं राम राज्य एक नींव, राम मंदिर एक नींव बनेगी राम राज्य की ओर, राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा, ये एक अद्भुत यात्रा होगी। और वर्तमान मिलेनियम, वर्तमान सहस्त्राब्दी, ये राम की सहस्त्राब्दी बनेगी। अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां की जो समिति बनाई गई है उसकी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे ही दी गई थी। उस समिति में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं और उन सबके पालक अधिकारी के रूप में माननीय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी आप रहेंगे। उस समिति के संयोजक
जो सारा संपर्क अभियान है गांव गांव तक पहुंचाने का, उसके संयोजक के रूप में मेरे बाईं तरफ बैठे हैं श्रीमान अभिषेक जी, वो रहेंगे। और इसके जो निधि प्रमुख हैं वो हमारे कटरा निवासी करण सिंह जी यहाँ हैं, ठीक, करण सिंह जी वो इसके निधि प्रमुख रहेंगे। हमारे सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं दधीची जी, और सब लोग इनके अंदर सहयोग करेंगे ही। एक जबरदस्त संपूर्ण जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर एक परिवर्तन आता हुआ दिखेगा इस समिति के प्रयासों से, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों ने कोई प्रश्न पूछना है?